नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में बिहार के इतिहास के सबसे बड़े पुलिस भर्ती, जिसमें 21,391 सिपाहियों की भर्ती होनी है, उसके लिए पुनर्परीक्षा का आज समापन हो गया। यानी कि जो पहली बार परीक्षा ली गई थी, पेपर लीक के कारण उसे रद्द करना पड़ा, उसके बाद पुनर्परीक्षा 6 पालियों में आयोजित की गई और आज इस परीक्षा का समापन हो गया। और आपको बता दें कि अंतिम दिन भी 6 कदाचार करते हुए लोग पकड़े गए। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि अभी तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती रही है और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इस परीक्षा में आवेदन किए और शामिल भी हुए। आपको हम बताते चले कि 6 फेज में ये परीक्षा होगा और ओवरऑल देखा जाए तो 67% अटेंडेंस रहा। यानी कि 100 में 67 कैंडिडेट औसत रूप में देखा जाए 6 पालियों में तो वो उपस्थित रहे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि लगभग 18 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किया गया। 17,87,720 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र निर्गत किया गया, जिसमें 14,38,154 अभ्यर्थियों ने अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड किया। और बता दें आपको हम कि 67% उपस्थिति रही। लगभग 10 लाख से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो इस परीक्षा में शामिल हुए। और आपको बता दें कि कुल कदाचार के मामले में 59 कैंडिडेट्स पर कार्रवाई की गई, या तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, या फिर FIR दर्ज हुआ, या फिर परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। वही अंतिम दिन की हम बात करें तो 6 छात्रों को आज गिरफ्तार किया गया है। नालंदा से 3, जो कि ब्लूटूथ डिवाइस के साथ दूसरे के स्थान पर बैठते हुए, यानी कि ब्लूटूथ डिवाइस के साथ और स्कॉलर गैंग भी नालंदा से 3 पकड़े गए हैं। पूर्वी चंपारण से 1 स्कॉलर पकड़ा गया है जो दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहा था। अररिया से 1 स्कॉलर और कटिहार से 1 स्कॉलर। यानी कि अंतिम फेज में जो है वो स्कॉलरों के द्वारा जो है छात्रों ने, अभ्यर्थी ने अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की। और बता दें आपको 6 पालियों में कुछ ना कुछ लोग पकड़े ही गए हैं। और इससे साबित होता है कि जालसाजी करने वाले, या फिर स्कॉलर बैठाकर एग्जाम देने वाले, या फिर ब्लूटूथ के सहारे एग्जाम पास करने वालों की संख्या जो है वो रही है। और अंत तक छात्र नहीं माने हैं, यानी कि वो पैतरेबाजी किए हैं। हो सकता है बहुत लोग कामयाब भी हुए होंगे, हो सकता है बहुत लोग पकड़ में नहीं आए होंगे, स्कॉलर को बैठाए होंगे, नहीं पता चला, ब्लूटूथ डिवाइस लेकर यूज किए होंगे, नहीं पता चला। लेकिन इतना तय है, जो स्कॉलर बैठा के एग्जाम दिलाए हैं उनका आज नहीं तो कल पकड़ा जाना तय है। क्योंकि जब फिजिकल होगा तो उन्हें स्वयं उपस्थित होना होगा और उस समय बहुत सारे जांच होते हैं आपके। उस समय पकड़ से बच पाना जो है नामुमकिन है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे पुलिस भर्तियों में बिहार में ही कि PT में तो वो सफलता किसी और को बैठा के प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल के दौरान पकड़े जाते हैं। और हमने देखा है गर्दनीबाग के हाजत में कितने छात्र जो है एक हाजत में ठूस के रखे जाते हैं, जो अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाकर PT परीक्षा पास हुए थे। तो बता दें लगभग 10 लाख से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो इस परीक्षा में बैठे हैं। 21,391 सीट है और सीट का 5 गुना लगभग 1,10,000 के आसपास फिजिकल के लिए रिजल्ट जारी किए जाएंगे। यानी कि 10 छात्रों पर एक कैंडिडेट को लिया जाएगा फिजिकल के लिए, और फिजिकल के बाद जो है उसे मेरिट बनेगा और मेरिट बनने के बाद फाइनल रिजल्ट इसका घोषित किया जाएगा। तो बता दें आपको ये परीक्षा ऐसी रही थी जो कि अक्टूबर 2023 में लिया गया। बिहार का सबसे बड़ा पेपर लीक सामने आया, 75 FIR, 200 से अधिक लोग की गिरफ्तारी। EOU का अब तक का सबसे बड़ा टीम बना था, SIT बना था इस पेपर लीक की जांच के लिए। वही बता दें जब पुनर्परीक्षा हुआ है ऐसी कोई खबरें नहीं आई पेपर लीक को लेकर, किसी बड़ी गड़बड़ी को लेकर। हाँ, कुछ लोग प्रयास में लगे रहे परीक्षा में शॉर्टकट अपनाकर पास करने के फिराक में,
59 ऐसे लोग पकड़े गए हैं या फिर निष्कासित किए गए हैं या फिर उन पर FIR दर्ज किया गया है। तो देखा जाए इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे और कदाचार मुक्त परिवेश में संपन्न हुआ है और हम आशा करेंगे कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया जो है वो साफ सुथरे तरीके से समाप्त की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।